मित्रों, सत्यवचन श्रृंखला बाइबल अध्ययन में आप सबों का पुनः स्वागत है। इन दिनों हम बाइबल के नए नियम की पहली पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार से अध्ययन करते आ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप कुशल पूर्वक होंगे और इन अध्ययनों से आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। पिछले अध्ययन में हमने मत्ती के 18 अध्याय से सीखा था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए समझाते हैं कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है, और उसकी उपमा एक छोटे बालक के मन और स्वभाव से करते हैं। तत्पश्चात यीशु खोई हुई भेड़ के दृष्टांत के द्वारा हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार वह खोए हुओं को बचाने के लिए आए, जिसके फलस्वरूप वे भाइयों के बीच आपसी सामंजस्य के द्वारा अपने विरोधों को हल करने की बात पर जोर देते हैं, और अंततः क्षमा करने के ऊपर निर्दयी सेवक के दृष्टांत के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे दूसरों के अपराधों को क्षमा करना चाहिए, जैसे हमारे अपराध क्षमा किए गए हैं। दोस्तों, आज हम मत्ती रचित सुसमाचार के 19 अध्याय के पहले 17 वचनों का गहराई से अध्ययन करेंगे। आज हम जिन विषयों को देखेंगे वे इस प्रकार हैं: यीशु का यहूदिया में प्रवेश, विवाह के लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया स्तर, और तलाक के लिए दिया गया एक कारण, छोटे बच्चों को आशीष देना, एक जवान धनवान व्यक्ति से मुलाकात, और आने वाले राज्य में अपने शिष्यों को उनके पद पर नियुक्त करना। मेरे मित्रों, आज के अध्ययन की एक मुख्य बात यह है जो हम सबों के लिए पारिवारिक जीवन से संबंध रखती है, विवाह में प्रेम, क्षमा, सामंजस्य, समर्पण बहुत ही मायने रखता है, और अगर यह नहीं है तो पाप घर कर जाता है, जिसका परिणाम तलाक तक पहुंच जाता है। तो आइए इस गंभीर और व्यक्तिगत विषय के ऊपर आज के अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं, और निश्चय जानें कि आज के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से बातचीत करेंगे। मित्रों, अब हमारा ध्यान मत्ती रचित सुसमाचार में भूगोल की ओर निर्देशित किया गया है। यीशु यहूदिया में फिर से प्रवेश करते हैं, तब जब वो क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले फिर से अंतिम बार यरूशलेम की ओर बढ़ते हैं। वह जो कुछ भी करते हैं और कहते हैं उसमें उनका एक निश्चित उद्देश्य है। यीशु फिर से यहूदिया में प्रवेश करते हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके एक पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से विदा होकर यर्दन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। मित्रों, यहां पर लिखा है कि जब यीशु ये बातें कह चुका, वह क्या कह रहा था? उसे जिसे हम 16 से 18 अध्याय में देख रहे थे, जो वह कहना चाहता था उसने गलील में कहकर समाप्त किया। तब वह चलकर दक्षिण की ओर गया और यहूदिया के सीमा पर आया, यर्दन के उस पार, जिसका अर्थ है यर्दन नदी के पूर्वी किनारे पर। अब उसकी गति शारीरिक और भौगोलिक है। वहां कैसेरिया फिलिपी में उसने घोषणा की कि वह यरूशलेम मरने के लिए जा रहा है। वह गलील को गया और वहां उसने अपना समय गलील की झील के आसपास बिताया। कफरनहूम उसका मुख्यालय था और उसने गदरा को भी पार कर दिया, और अब वह यहूदिया की सीमा पर है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके दो पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब एक विशाल जनसमूह उसके पीछे चल पड़ा और उसने वहां उन्हें चंगा किया। मित्रों, मैं दो शब्दों को एक साथ रखना चाहता हूं और उसे महत्व देना चाहता हूं, जिसे पहले भी कई बार महत्व दिया जा चुका है। पहला शब्द जनसमूह अर्थात भीड़, और दूसरा चंगाई है। ये सिर्फ थोड़े लोग ही नहीं थे जिन्होंने चंगाई प्राप्त की थी, पर एक जनसमूह था। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, मैं इससे अधिक और अधिक प्रभावित होता जाता हूँ। यदि आप विश्वास से चंगाई देने वाले बनना चाहते हैं, तो आपको मेरे भाई अस्पताल में जाकर उसे खाली करना चाहिए। जब हमारे प्रभु किसी क्षेत्र से गुजरे तो उन्होंने यही किया। यदि कोई चंगाई पाना चाहता था तो वह चंगाई पा सकता था,
और जनसमूह में लोगों ने चंगाई प्राप्त की। आगे हम विवाह और तलाक के बारे में पाते हैं। अब धार्मिक अगुए तलाक से संबंधित प्रश्न लेकर उसके पास आते हैं। हमारे प्रभु विवाह के प्रति परमेश्वर के विचार को और तलाक के लिए आधार को फिर से घोषित करते हैं। हम मत्तयी सुसमाचार उसके 19 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, फिर कुछ फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए उसके पास आए और कहने लगे, क्या पुरुष के लिए अपनी पत्नी को किसी भी कारण से तलाक देना उचित है? फरीसी उसको अजमाने या परीक्षा लेने के लिए गए थे। वे उसके पीछे पड़े हुए थे और मूसा की व्यवस्था के विपरीत बुलवाने की कोशिश कर रहे थे। वे एक समस्या को लेकर आए जो उस समय बहुत ही कठिन थी, जो आज भी कठिन है। क्या पुरुष के लिए अपनी पत्नी को किसी भी कारण से तलाक देना उचित है? वही जीवित समस्या आज हमारे मसीहियों के बीच में भी पाई जाती है। आइए मैं इसे थोड़ा इस प्रकार कहते हुए प्रारंभ करता हूं कि परमेश्वर ने मानव परिवार के कुशल क्षेम के लिए सभी मानव जाति को कुछ निश्चित बातें दी है। उदाहरण के स्वरूप में उसने घर परिवार की रक्षा के लिए विवाह दिया है। विवाह एक ऐसी बात है जिसे परमेश्वर ने मनुष्य जाति के आशीष के लिए दिया है, चाहे वे उद्धार पाए हुए हैं या उद्धार नहीं पाए हैं, सबके लिए यह जरूरी है। एक दूसरा उदाहरण है प्राण दंड। परमेश्वर ने देश की रक्षा के लिए और नगरवासियों के जीवन की रक्षा के लिए दिया है या लागू किया है। परमेश्वर ने शब्द की व्यवस्था व्यक्ति की रक्षा के लिए दी, ताकि वह एक दिन विश्राम कर सके। परमेश्वर ने ये व्यवस्थाएं इसलिए दी ताकि व्यक्ति परिवार और देश की रक्षा करे। ये सभी साधारण व्यवस्थाएं हैं जो उसने सभी मानव जाति के लिए दी। बाद में उसने अपने चुने हुए लोगों के लिए इसे सुस्पष्ट कर दिया। तो आइए हम विवाह के विषय प्रश्नों को देखें। वास्तव में यहाँ पर यह एक छोटे संदर्भ में इसराइल राष्ट्र है, और आज हम इसे समकालीन मसीहियों के प्रकाश में देखते हैं। क्या पुरुष के लिए अपनी पत्नी को किसी भी कारण से तलाक देना उचित है? हम मत्तयी रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय के 4 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने आरंभ ही से उन्हें नर और नारी बनाया? मित्रों, प्रभु यीशु उन्हें काफी पीछे ले जाते हैं, आरंभ के दिनों में जहां परमेश्वर ने विवाह को स्थापित किया था। मूसा की व्यवस्था ने तलाक की अनुमति अश्लील होने के आधार पर दी थी। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 24 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और बाद में ऐसा हो कि उसमें कोई लज्जाजनक बात पाकर वह उसकी दृष्टि में अप्रिय लगे, तब वह त्याग पत्र लिखकर उसके हाथ में दे दे और उसे अपने घर से निकाल दे। मित्रों, जहां तक मूसा की व्यवस्था की बात थी, तलाक देना इतना बुरा नहीं था जितना कि किसी अनजाने व्यक्ति से विवाह करना। उदाहरण स्वरूप देखें कि यदि याजक की बेटी अनजाने व्यक्ति से विवाह करती थी तो उसे इसराइल राष्ट्र से बाहर कर दिया जाता था। जो भी हो, जैसे जैसे समय बीतता गया, मूसा की व्यवस्था अर्थहीन होती चली गई और तलाक की स्वीकृति नास्वर के बहाने पर की जाती थी, जैसे कि रोटी जला देना। परिणाम स्वरूप हमारे प्रभु के दिनों में इस विषय पर एक बड़ा विचार विमर्श हुआ जो तलाक से संबंधित था। हम मत्तयी रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय उसके 5 और 6 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और कहा, इस कारण पुरुष अपने पिता और माता से अलग होकर अपनी पत्नी के प्रति आसक्त होगा और वे दोनों एक तन होंगे, फलतः अब वे दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग न करे। मित्रों, मानव परिवार में पाप आने से पहले परमेश्वर की मूल योजना स्त्री और पुरुष के लिए यही थी। तलाक परमेश्वर की मूल योजना में नहीं थी। क्यों? क्योंकि पाप परमेश्वर की मूल योजना में नहीं था, और तलाक हमेशा ही पाप का परिणाम होता है, चाहे आप कुछ भी कहें। रिश्ते में कहीं पाप होता है तो तलाक का कारण बनता है। इसलिए हमारे प्रभु उन्हें परमेश्वर की मूल योजना में पीछे आरंभ के दिनों में ले जाते हैं। मत्तयी रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय के 7 पद में हम आगे पढ़ते हैं, उन्होंने उससे कहा, तो फिर मूसा ने क्यों आज्ञा दी कि उसे तलाक पत्र देकर त्याग दे? मित्रों, उनके प्रश्नों की पृष्ठभूमि को समझने के लिए आपको व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 24 अध्याय और उसके 1 से लेकर 4 पद तक पढ़ना चाहिए कि क्यों मूसा ने तलाक की अनुमति दी। हम मत्तयी रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 8 पद में आगे पढ़ते हैं,
जहां पर लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा ने पत्नी को तलाक देने की अनुमति तुम्हें दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। मूसा ने अनुमति क्यों दी? उनकी मन की कठोरता के कारण। आप देखें कि विवाह मानव जाति को दिया था और यह मानव जाति के लिए संबंधों में सबसे कोमल और मधुर था। इसके जैसा कुछ नहीं था और वास्तव में विवाह मसीह और कलीसिया के बीच के संबंध को प्रस्तुत करता है। इसलिए केवल विश्वासी लोग ही इस उच्च और पवित्र रिश्ते में जुड़ सकते हैं। जो भी हो, जब वे असफल होते हैं और उनके हृदय में कठोरता और कड़वापन प्रवेश करता है, तब वह विवाह एक खोखला दिखावा बन जाता है और यह विवाह का मजाक बन जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, विवाह या तो स्वर्ग में बनता है या नर्क में। तीसरा कोई स्थान नहीं जहां यह बन सके। जब विवाह गलत स्थान में बनता है तो इसे आरंभ करने की समस्या निर्माण होती है। यहां तक मसीही लोगों के लिए भी विवाह एक अस्थिर समस्या बन जाती है। मनुष्य के कठोर हृदय के कारण परमेश्वर ने तलाक की अनुमति दी। परमेश्वर हम पर दयालु है। ओह, कितने दयालु हैं। परंतु उनकी योजना में तलाक कभी भी नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि हम जिस संस्कृति में रहते हैं वह इस क्षेत्र में बहुत ढीला है। बहुत से तलाकशुदा लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि तलाक की पृष्ठभूमि हमेशा पाप ही है, परंतु हम तो सब पापी हैं। जबकि परमेश्वर हत्यारों को क्षमा कर सकता है तो वह तलाक हुए लोगों को भी क्षमा कर सकते हैं, परंतु हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि तलाक की मूल जड़ पाप है। अब हमारे प्रभु कुछ नया देने जा रहे हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 9 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़कर अन्य किसी कारण से अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरी से विवाह करे तो वह व्यभिचार करता है। मित्रों, व्यभिचार विवाह के रिश्ते को तोड़ता है और तलाक के लिए एक आधार उपलब्ध कराता है। किसी ने मुझसे कहा, ठीक है, पर यहां पर एक कमजोर मसीही स्त्री है जिसका विवाह एक शराबी से हुआ, या एक अच्छे मसीही व्यक्ति का विवाह एक अविश्वासी स्त्री से हुआ, तो इसके बारे में क्या है? ठीक है, पर विश्वासी एक दूसरे आधार पर अलग हो सकते हैं। जो पहला कुरिन्थियों के पत्र उसके 7 अध्याय के पूरे विषय के जैसा लगता है, परंतु तलाक सिर्फ एक आधार पर ही स्वीकृत है और वह है व्यभिचार। तलाक इस उद्देश्य के साथ देने की मंजूरी दी है ताकि निर्दोष व्यक्ति फिर से विवाह कर सके। यह नियम सिर्फ विश्वासियों के लिए ही लागू होता है। परमेश्वर अविश्वासियों के जीवन नियमित नहीं कर रहे हैं, परंतु वह उन्हें पहले क्रूस के संदेश के लिए रोके हुए हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि अविश्वासी मसीह के पास आए, चाहे वह विवाहित है या तलाकशुदा है या अविवाहित है, वह खोया हुआ है। जब तक वह मसीह को स्वीकार नहीं करता, तब तक इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वासियों के लिए एक विशेष बात ध्यान देने की है कि परमेश्वर उनके लिए तलाक का एक आधार देते हैं और वह है व्यभिचार। अब मान लीजिए कि एक विश्वासी की पत्नी किसी दूसरे आधार पर तलाक ले लेती है, तो उस निर्दोष पक्ष वाले का क्या होगा? ठीक है, यदि वहां पर व्यभिचार हुआ, और अधिकतर समस्या में यही होता है, तब निर्दोष पक्ष को फिर से विवाह करने की अनुमति दी जाती है। मैं विश्वास करता हूं कि इस विशेष समस्या का यही पूर्ण विचार भी है। अब यहां पर कुछ और हैं जो महत्वपूर्ण हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 10 पद में हम पढ़ते हैं, चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही संबंध है तो अविवाहित रहना ही अच्छा है। चेले उससे कहते हैं कि ऐसी ही बात है तो पुरुष को अविवाहित ही रहना चाहिए। ठीक है, आप बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं, इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन हम मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं, परंतु उसने कहा, इस बात को सब नहीं पर केवल वे ही ग्रहण कर सकते हैं जिन्हें यह दिया गया है। मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेषकर हमारे दिनों में। इसके अगले पद में हमारे प्रभु एक महान सिद्धांत को रखते हैं। यहां तक कि आज भी कुछ कलीसिया इस समस्या के साथ संघर्ष कर रही है। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 12 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, क्योंकि कुछ नपुंसक हैं जो अपनी माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे, कुछ नपुंसक हैं जिन्हें मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया,
और कुछ नपुंसक ऐसे भी हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना लिया है। जो इसे ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। मित्रों, कुछ नपुंसक हैं जो अपने माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे। कुछ स्त्री और पुरुष जिन्हें विवाह करने की आवश्यकता नहीं है, वे अपने आप में बहुत अच्छी तरह से संतुलित हैं, परंतु सबके साथ ऐसा नहीं है। और कुछ नपुंसक हैं जिन्हें मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया। कुछ कलीसियाएं नियम बनाती हैं कि एक निश्चित पद पर लोग विवाह नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। कुछ नपुंसक ऐसे भी हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना लिया है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो प्रचार के कार्य के लिए गया, और इससे पहले कि वह जाता, मैंने उसे बातें की और कहा कि तुम्हारा वहां जाकर विवाह का मौका खत्म हो जाएगा। उसने कहा, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है और इस बलिदान को देने के लिए मैं तैयार हूं। उसने स्वयं से यह निर्णय लिया। किसी ने कहा कि क्या आप सोचते हैं कि एक सेवक को विवाह करना चाहिए, या क्या आप सोचते हैं कि एक पुरोहित को विवाह करना चाहिए? क्या मैं आपसे कहूं, यही वह स्थान है जहां पर परमेश्वर एक सिद्धांत को रखते हैं। वे कहते हैं कि यह व्यक्तित्व पर निर्भर है, हमें अपने लिए स्वयं से निर्णय लेना है। अब यहां पर कुछ और अद्भुत है। यीशु छोटे बच्चों को स्वीकार करते हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय और उसके 13 से 15 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, तब कुछ बच्चे उसके पास लाए गए कि वह उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करे, परंतु चेलों ने उसे झिड़का। तब यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। तब उन पर हाथ रखने के पश्चात वह वहां से चला गया। मित्रों, यह परिच्छेद बच्चों के उद्धार के लिए पर्याप्त आधार है जो बचपन में ही मर जाते हैं। यह सच है कि कोई भी बच्चा यीशु को अस्वीकार नहीं करेगा यदि उसे बाइबल के आधार पर बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तब यह भी एक कारण है कि हमें सुसमाचार का संदेश बच्चों को देना चाहिए। कोई कहेगा कि एक मिनट ठहरिए, यदि हम बच्चों में ही सब लोगों तक पहुंच जाएं, तब सभी व्यक्ति बचा लिए जा सकते हैं। जी नहीं, यह सत्य नहीं है, क्योंकि वे बाद में जिम्मेदारी लेने के लिए अर्थात जिम्मेदारी समझने की आयु में पहुंचेंगे। सुसमाचार को बच्चों के हृदय में पहुंचाने की कोशिश करने का कारण है ताकि जब वे उत्तरदायी अवस्था में पहुंचेंगे तो वे मसीह के लिए निर्णय लेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसका अनुसरण अच्छी तरह से किया जाए। आप उस सत्य पर ही निर्भर मत रहिए जब आपके बच्चे ने 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8 वर्ष की आयु में निर्णय ले लिया है। कुछ बच्चे 7 साल की आयु में ही मसीह के लिए निर्णय ले लेते हैं, परंतु उसी समय से पिता को पूछते रहना पड़ता है कि क्या वह वास्तव में प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता या मानती है। एक दिन बच्चे ने पूछा, पिताजी आप क्यों हमेशा यही प्रश्न पूछते रहते हैं? पिता ने कहा कि मैं निश्चित होना चाहता था। वास्तव में निर्णय एक उत्तरदायी अवस्था में ही लिया जाता है। आप कहेंगे कि वह अवस्था कब है, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारे बच्चों को सुसमाचार पहुंचाना महत्वपूर्ण है। किसी सड़क के किनारे खड़े होने के बदले में और इसके बारे में वाद विवाद करने के बदले, आइए हम उसे उनके पास पहुंचाएं और उनकी देखभाल तब तक करते रहें जब तक कि वे उत्तरदायी अवस्था में ना पहुंचें। अपनी शक्ति में उन्हें वहां तक लाएं कि वो मसीह पर विश्वास करने का निर्णय ले और विश्वास करें। मित्रों, यह एक मजेदार बात है कि हमारे प्रभु ने तलाक की समस्या के बारे में कहा और शीघ्र वह बच्चों के बारे में बात करना आरंभ करते हैं। किसी भी तलाक में बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक बार एक स्त्री एक पादरी साहब के पास आई जो अपने पति को तलाक देना चाहती थी, क्योंकि वह अपने पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी। उसने कहा, जो कुछ भी वह कर रहा है उससे मैं बिल्कुल प्रेम नहीं करती हूँ, और मैंने आपको कहते हुए सुना है कि जब प्यार नहीं है तो वहां कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं उसे तलाक लेना चाहती हूँ। यह सच है कि जहां पर प्यार नहीं है वहां पर रिश्ता या संबंध भी नहीं है, और वह भयानक है, परंतु वह तलाक के लिए आधार नहीं है। पादरी साहब ने उस स्त्री से कहा, आप कहती हैं कि आप अपने पति से प्रेम नहीं करती हैं, परंतु क्या आप अपने बच्चों से प्रेम करती हैं? उसने कहा, हाँ मैं करती हूँ, परंतु उसका इसके साथ क्या संबंध है? पादरी साहब ने कहा कि इसके साथ इसका सब संबंध है।
आपको अपने पति के साथ तब तक साथ रहना है जब तक कि आप रह सकती हैं, यदि आप उन बच्चों से प्यार करती हैं तब। मेरे मित्रों, हमारे प्रभु ने एक सत्य को कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, जो एक दंपति को करना चाहिए। विशेषकर मसीही दंपति को परिवार का एक साथ बने रहने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। बच्चों और जवानों में से अधिक प्रतिशत लोग जो कानून की समस्या में फंसे हैं, वे टूटे हुए परिवारों या घर से आते हैं। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि कई बच्चे माता पिता के तलाक के कारण मसीह से दूर हो गए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यीशु तलाक के विषय को और बच्चों के प्रति अपने प्रेम और ख्याल को एक साथ जोड़ते हैं। आगे हम एक धनी युवक के बारे में पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय और उसके 16 और 17 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, देखो एक मनुष्य ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला कार्य करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने कहा, तू मुझसे भले के विषय में क्यों पूछता है? केवल एक ही है जो भला है। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं का पालन कर। यहां पर ध्यान दीजिए कि यह नव युवक किस प्रकार प्रभु यीशु के पास आता है। वह उससे अच्छा गुरु कहकर संबोधित करता है। वह यह स्वीकार करने के लिए तैयार है कि वह अच्छा है और संभवतः यीशु के शत्रु उतनी अधिक दूरी तक नहीं गए होंगे। तू मुझसे भले के विषय में क्यों पूछता है? मुझे भरोसा है कि आप देख सकते हैं कि हमारे प्रभु किस बात के पीछे हैं। जब उसने कहा केवल एक ही है जो भला है और वह परमेश्वर है, वह इसे प्रभाव के साथ कह रहे थे। यदि तू इसे देख सकता है कि मैं अच्छा हूं, तो यह इसलिए है क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। वह उसके विचार को निर्देशित कर रहे हैं ताकि वह उसे मसीह के रूप में स्वीकार करे, जो परमेश्वर का पुत्र है। तब प्रभु यीशु ने इस नवयुवक के जीवन पर प्रकाश डाला कि व्यवस्था मनुष्य के साथ संबंध रखने के लिए है जो उसके साथ रहते हैं। प्रिय दोस्तों, क्या आज आपने सुना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमारे परिवार में विशेष तौर पर पति और पत्नी के बीच का संबंध परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया है, जिस पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है, और दोनों अब एक शरीर हैं, अर्थात मिलकर एक विचार, एक विश्वास, एक मन, एक साथ बने रहना। परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यभिचार ही मात्र तलाक का कारण हो सकता है, पर व्यभिचार का कारण पाप और परमेश्वर की अवज्ञा है। इफिसियों के पत्र 5 अध्याय उसके 25 पद में लिखा हुआ है, पतियों से कहता है कि अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यह है निस्वार्थ प्रेम, जिसके लिए यूनानी भाषा में अगापे शब्द का उपयोग किया गया है। पर उसके पहले 22 पद में लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, अर्थात आदर करो। कई बार हमारे पति आदर के योग्य कार्य नहीं करते हैं, तब भी हमारा आदर देना उनके जीवन को बदल सकता है और हमारा प्रेम पत्नी के आचरण को बदल सकता है। दोस्तों, परमेश्वर पर विश्वास के साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर ही हमारे परिवार की नींव है। मेरे प्रियो, आज के आधुनिक जीवन शैली में तलाक आम बात हो गई है, जिसका कारण अहम, घमंड, बैर आदि शरीर के काम हैं। पर यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम इस पर जयवंत हो सकते हैं, जिससे हमारे परिवारों में आपसी प्रेम बना रह सकता है, पति पत्नी के संबंध मधुर और मजबूत बन सकते हैं, क्योंकि हम इसलिए ही जोड़े गए हैं। क्या आप अपने पारिवारिक जीवन के संबंधों को ठीक करना चाहते हैं? क्या आप पारिवारिक जीवन के संबंध से दुखी हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन मजबूत बने? बाइबल कहती है परमेश्वर से सब कुछ संभव है। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे पारिवारिक जीवन को मजबूती दे। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा आज आपने हमें फिर से इस बात का स्मरण दिलाया है
कि पारिवारिक जीवन में आपकी उपस्थिति का होना कितना महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, हमारे हर एक प्रिय भाई बहनों के लिए जो अपने पारिवारिक जीवन के कारण दुखी और निराश हैं, परेशान और चिंता में हैं, तनाव में हैं, हमारी विनती है कि आप उनके पारिवारिक जीवन को ठीक करें। पति पत्नी यदि एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी सहायता करें ताकि एक दूसरे को क्षमा कर सकें, एक दूसरे को आदर दे सकें, एक दूसरे को प्यार दे सकें, और होने दे पिता परमेश्वर कि ये परिवार फिर से एक बार रिस्टाब्लिश्ड हो जाए, फिर से एक बार एक हो जाए और आपके नाम के महिमा के कारण बन जाए। पिता परमेश्वर, हमारी आपसे यही विनती है कि एक एक को आप आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज का वचन आपके लिए है और परमेश्वर आपके परिवार को, आपके जीवन को बचाना चाहता है। आप उस पर विश्वास रखें और निश्चय जानें कि वह आपकी सहायता करने के लिए तैयार और तत्पर हैं। आप सब अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444-908-1246। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindittb@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। YouTube और Facebook पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।